जैसा कि हम दुकान पे आ चुके हैं भाई, हम आपको वो एम्पलीफायर दिखाते हैं जो कि औजा का है। और ये देख सकते हैं औजा का यही एम्पलीफायर है, जो कि आप भाई एक बार पैसा लगाओगे आपको ये नहीं होगा कि भाई हमने गलत जगह पे पैसा लगा दिया। हाँ रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है भाई, पर ये एम्पलीफायर बहुत ही सक्सेस रहता है रेट के हिसाब से भाई, हम तो मानेंगे बहुत ही सक्सेस एम्पलीफायर है। जो कि चाहे टॉप चलाओ या तो ट्यूटर चलाओ भाई या तो हारन चलाओ, एक दो साउंड बिल्कुल आसानी से चला देगा भाई, बहुत ही टिकाऊ एम्पलीफायर है। हम यही सजेस्ट करेंगे भाई, ले रहे तो भाई छोटे एम्पलीफायर में ले रहे हो तो औजा ज़रूर लो भाई, 250 वाट आपकी हर एक प्रोग्राम पे काम आएगा भाई, चाहे तो वो हारन का हो या दो टॉप चलाने का हो या तो ट्यूटर भी चलाने का हो भाई, ये एम्पलीफायर ज़रूर ले भाई। जो कि आप लोग देख सकते हैं चलो भाई अब हम इसको इस एम्पलीफायर को घर पे ले चल के टेस्ट करते हैं भाई, जो कि 600-700 वाट स्पीकर लगा कर चेक करेंगे और इसका रिस्पांस देते हैं। अब इस एम्पलीफायर को हम घर पे लेके आ चुके हैं भाई, अब इसका साउंड टेस्टिंग हम सुनेंगे भाई, जो कि 600-700 वाट का स्पीकर चलाएगा भाई, जो कि भाई इसके वाट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, फिर भी ये ऐसा एम्पलीफायर है भाई चला देगा भाई, जो कि एम्पलीफायर भी नहीं ख़राब होगा। अगर गर्म होता है भाई ये रिसीवर बटन वाइट वाला जो दिख रहा है ये अपने आप निकल जाता है भाई। चलो इसको जैसा आप लोगों ने देखा भाई, इसमें बस बेस मालूम चल रहा है भाई, ट्यूटर नहीं लगा है भाई, नहीं तो आवाज़ भी मालूम चलता, पर जिस हिसाब से इसका वाट है भाई उससे ज़्यादा ये लोड लेता है। और इसको भाई जितने वाट का है उससे हमेशा ही मैक्सिमम हम ज़्यादा ही वाट को लोड देते हैं भाई, तब भी बहुत ईजी तरीके से चलता है भाई, गर्म भी होता है भाई। रिसेट वाला ये जो क्लिप दिख रहा है ये अपने आप निकल जाता है भाई, यही सजेस्ट करेंगे एम्पलीफायर में ले रहे हैं तो यही औजा 250 वाट ले भाई, अगर ये एम्पलीफायर छोटे में आपके पास नहीं है तो भाई तो सब मशीन रहने का क्या फ़ायदा भाई, जब ये औजा 250 वाट नहीं है। ये भाई चाहे एम्पलीफायर के बारे में हो या तो स्पीकर के बारे में, हम आपको अच्छा ही सजेस्ट करेंगे भाई। सब्सक्राइब